वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। आज हम इस्लामिक विकास बैंक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम, ये हमारी 8th नंबर की बैंक है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी तरह की बैंक, तो उनके लिए आप जो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को चेक कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में। तो इसकी सबसे पहले जो स्थापना इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो 12 अगस्त 1975 को की गई थी, और इसका हेड ऑफिस वो सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरब में। और इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा, इसकी भाषा है इन बैंक की वो अरेबिक है, अरबी जिसे हम बोलते हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं, कंट्री सदस्य देश हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के, वो 56 कंट्रीज़ हैं और 56 देश इसके सदस्य हैं। और अगर इसके कार्य, फंक्शन और इसका एम की, इसके उद्देश्य की बात करें, तो अपने सदस्य देशों को इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाना। तो ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का काम है कि अपने जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इस्लामिक सिद्धांतों, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उनको लोन और ऋण उपलब्ध करवाता है। और ये बैंक ना तो ब्याज देता है और ना ही ये ब्याज लेता है, देयर इज़ नो इंटरेस्ट, ना ही ये ब्याज लेता है और ना देता है। और ऋण देने के लिए कोई भी एसेट्स, कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखता, कोई भी चीज़ें ये गिरवी नहीं रखवाता इस्लामिक कानून के तहत। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जो ये इसकी भारत में ब्रांच चेन्नई में है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की ब्रांच है वो चेन्नई में स्थित है भारत में, और ये शरिया कानून के तहत खोला गया है भारत में। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी आज की इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।